वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इंफोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज का हमारा टॉपिक है बोनस शीट। बोनस शीट को समझने से पहले हम कंपनी की कुछ क्राइटेरिया रेंज को समझ लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे हमने यहां पर एक कंडीशन लगा रखी है। यदि किसी की सैलरी 5000 से लेकर के 9999 है तो उसको मिलना चाहिए 12% का बोनस। इसी के हिसाब से अगर किसी की सैलरी 25,000 से लेकर के 29,999 है तो उसको मिलना चाहिए 25% का बोनस। अब आप यहाँ देखेंगे हमने कुछ एम्प्लॉइज के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पर हमने उनकी मंथली सैलरी को डिफाइन किया हुआ है। इसके हिसाब से जैसे हम बात करें नायरा की, तो नायरा की अगर सैलरी है 26,669 रुपीज तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो बोनस आना चाहिए वो आना चाहिए लगभग 25%। यानी इसकी सैलरी 25,000 से लेकर के 29,999 है तो यहाँ पर जो परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 25%। अब इसको फॉर्मूले को हम किस तरह से यूज करेंगे उसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप देखेंगे जो भी हमने सैलरी डिफाइन की हुई है उसके आगे रुपीज का सिंबल रिप्रेजेंट होता है। तो ये रुपीज का सिंबल आप किस तरह से लाएंगे ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। इसको आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इसको देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो हमने ये दो चीजें लिख रखी हैं यानी सैलरी प्लस बोनस, ये दो चीजों को सिलेक्ट करके मुझे इसका एक रेंज यानी इसके सेल को एक नाम देना होगा, इसकी क्राइटेरिया को एक नाम देना होगा जो कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसको क्लिक करके मैं इसको नाम देता हूं बोनस और फिर हमें प्रेस करना होगा एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद ये पूरी की पूरी जो रेंज है वो बोनस के नाम से एडजस्ट हो गई है। यानी जब भी हम फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमें इस पूरी रेंज को लेने की जरूरत नहीं है। आप अभी देखेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपल यूज करना होगा इज इक्वल टू वी एल यानी वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये कि आप किस चीज को लुकअप करना चाहते हैं यानी किस वैल्यू को लुकअप करना चाहते हैं। तो मैं लुकअप करना चाहता हूं इस वैल्यू को, कॉमा यूज करेंगे। कॉमा यूज करने के बाद आपसे बोल रहा है टेबल एरे यानी टेबल, ये इस टेबल की बात कर रहा है कि आप जो कंडीशन यूज कर रहे हैं उस कंडीशन के हिसाब से आप अपनी टेबल की रेंज लीजिए। तो टेबल का हमने ऑलरेडी यहां पर उसका नाम दिया हुआ है तो हम यहां वही नाम टाइप कर देंगे बोनस। कॉमा यूज करने के बाद जैसे ही हमने बोनस लिखा आप देखेंगे ये पूरा का पूरा एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है हमसे वो बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब जो कंडीशन है आपकी वो किस जगह पर है। तो कंडीशन हमारी है सेकंड नंबर पर, यानी पहले नंबर पर हमारी सैलरी है और सेकंड नंबर पर हमारा बोनस है तो बोनस हमें चाहिए तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर टू। इसके बाद कॉमा यूज करेंगे। कॉमा यूज करने के बाद आप देखेंगे दो ऑप्शन हमारे सामने रिप्रेजेंट आ रहे हैं जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। ट्रू में कहता है कि अप्रोक्स मैच यानी अगर कोई वैल्यू किसी वैल्यू से अबव है या बिलो है तो ये अप्रोक्सिमेटली इसको एडजस्ट करके यहाँ पर आपके सामने आंसर को रिप्रेजेंट कर दे। दूसरा जो ऑप्शन है वो है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब अगर किसी की सैलरी यहाँ पर 5000 है, यहाँ पर भी 5000 ही होनी चाहिए तो ही ये आंसर देगा, अदरवाइज आंसर नहीं देगा। तो हमें एग्जैक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए अप्रोक्स मैच। तो अप्रोक्स के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रू। ट्रू लिखने के बाद ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 0.25 आ गया। तो यानी कि इसके आगे अगर हमें परसेंटेज का सिंबल चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरे फॉर्मूले को ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन सबके आगे परसेंटेज वैल्यू शो हो गई। इसके बाद हमें निकालना है बोनस अमाउंट यानी जो सैलरी यहाँ पर है उस सैलरी के हिसाब से जो बोनस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। तो बोनस अमाउंट निकालने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, इज इक्वल टू यूज करना है, मंथली सैलरी की रेंज लेनी है, मल्टीप्लाई करना है इसको बोनस, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपका बोनस अमाउंट रिप्रेजेंट हो गया। इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ। ड्रैग करने के बाद आपका जितने भी एम्प्लॉइज थे उन सभी का बोनस अमाउंट आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। अब आपको निकालना है नेट पेमेंट। तो नेट पेमेंट निकालने के लिए हमें सिंपल करना क्या है, इज इक्वल टू का यूज करना है। इक्वल टू का यूज करने के बाद आपको जो मंथली सैलरी कंपनी दे रही है आपको वो मंथली सैलरी की रेंज लेनी है प्लस आपको करना है बोनस अमाउंट यानी जो बोनस आपको उस मंथ में आपको मिल रहा है उसको प्लस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपकी नेट पेमेंट यहाँ पर शो हो जाएगी। इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ।
तो ये सभी की जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी की सैलरी आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।